दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भारत सरकार की टॉप 10 ऐसी स्कीम के बारे में जिनके कार्ड होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर वो कार्ड आप बनवा लेते हैं तो सरकार की सारी स्कीमें बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाली हैं। क्या ऐसा आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, कौन कौन से वो सारे कार्ड आपको बनवाने हैं, वो सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को आप मिस ना करें, अंत तक आप जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। असंगठित क्षेत्र से अगर आप जो है कोई भी श्रमिक कार्य करते हैं तो ये कार्ड होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा इस कार्ड के माध्यम से आपको बहुत सारी स्कीम दी जाती हैं जिसका बेनिफिट आपको ई श्रम कार्ड के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, अगर दूसरी स्कीम की बात की जाए तो आयुष्मान कार्ड एक ऐसी स्कीम है जिसमें सरकार के द्वारा 5 लाख तक का मुफ्त उपचार दिया जाता है। दोस्तों, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपके पास ये कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। सरकार की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए दोस्तों आयुष्मान कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं इस स्कीम का लाभ लेने के लिए। दोस्तों, अगले कार्ड की अगर बात की जाए तो आयुष्मान भारत का एक हेल्थ कार्ड होता है जिसे आभा कार्ड कहते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये कार्ड जो है आपके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपके पास ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मेडिकल रिकॉर्ड का पता रहे। दोस्तों, अगले कार्ड की बात की जाए तो इसमें अगला कार्ड जो आता है वो आधार कार्ड आता है, जिसमें ये आधार जो है दोस्तों वो आपका पहचान का प्रमाण होता है। इस आधार कार्ड के जरिए ही दोस्तों आप बहुत सारी स्कीम का लाभ लेते हैं। दोस्तों, मोस्टली सभी स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड आपका कंपलसरी होता है, जिसमें अगर आप किसी भी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सरकार की आईडी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगली आईडी की बात की जाए तो इसमें आता है वोटर आईडी कार्ड। अगर आप जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए हैं तो आपके पास सरकार की एक आईडी जिसको वोटर आईडी कार्ड कहते हैं वो भी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर अगले कार्ड की बात की जाए तो इसमें आता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड एक भारत सरकार की एक ऐसी आईडी है जो बैंकिंग सेवा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी होता है। दोस्तों, अगर अगले कार्ड की बात की जाए तो इसमें आता है लेबर कार्ड। यानी दोस्तों, अगर आप जो है भवन निर्माण से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आप मजदूरी करते हैं या फिर आप जो है वेल्डर हैं या फिर आप राजमिस्त्री या किसी भी प्रकार का आप जो काम करते हैं वो सारे काम लेबर कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी लेबर कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जो है इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं, जिसके लिए सरकार ने एक साइट भी बना रखी है और आपको लेबर कार्ड यानी फैसिलिटी के तौर पर आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसको दोस्तों लेबर कार्ड कहा जाता है। ये लेबर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। दोस्तों, अगले कार्ड की अगर बात की जाए तो इसमें आता है PMJDY कार्ड, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके तहत आपकी जो जमा राशि पर सरकार के द्वारा ब्याज भी दिया जाता है और 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है। ये सारी स्कीमें आपको तब मिलती हैं जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। दोस्तों, अगली स्कीम या कार्ड की बात की जाए तो इसमें आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये योजना दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है, जिसमें क्राइटेरिया होता है 18 से 40 साल वर्ष का। इस सेवा का लाभ जो आपको मिलने वाला है दोस्तों, हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए दोस्तों करना क्या होता है, इस सेवा में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद और जो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद आपको दोस्तों 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, अगली आईडी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड जो है दोस्तों एक ऐसी आईडी है जो आपकी फैमिली आईडी के रूप में यूज की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैमिली आईडी को एक परिवार एक पहचान के रूप में भी यूज किया जाता है।
दोस्तों, अगर सरकार की सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है सरकार की जो स्कीम होती है उसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था कि सरकार के द्वारा जो टॉप 10 कार्ड चलाए जा रहे हैं कौन कौन से हैं और वो आपके पास होना ज़रूरी है। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें।